नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPL के फाइनल मुकाबले के बारे में, जो कि होने वाला है बारबाडोस और गुआना के बीच में। फ्रेंड्स, लास्ट मैंने मैच का वीडियो नहीं बनाया था, बट जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्हें मैंने ज़रूर बताया था कि मैच किस प्रकार से जाएगा और बारबाडोस कैसे मैच ये जीत सकता है। और शुरू से थ्रू आउट द CPL जितने मैचेस मैंने किए हैं, कहीं ना कहीं बारबाडोस और जमैका दो ऐसी जो टीमें थी वो कहीं ना कहीं हर एक मोमेंट पर आपको धोखा देने वाली टीमें थी और हर बार आपके मैच का प्रेडिक्शन या आपका मैच यहाँ पर चेंज करने वाली टीमें थी। और लास्ट मैच में भी कुछ इसी तरह से हुआ, जहाँ पर शायद ज़्यादातर जने TKR की तरफ सपोर्ट में थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन बारबाडोस का ज़्यादा आ रहा था और वैसा ही होता हुआ दिखा यहाँ पर, और बारबाडोस ने मैच कहीं ना कहीं अपने पक्ष में यहाँ पर कर लिया। अब बात करते हैं गुआना और बारबाडोस के मैच के बारे में कि किस प्रकार से मैच जाएगा, किस प्रकार से कैलकुलेशंस जा रही है ये मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां मैच टर्न एंड ट्विस्ट के साथ मुड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बात करते हैं CPL के फाइनल मुकाबले में गुआना और बारबाडोस के बारे में कि क्या इनका पहले भी मुकाबला हुआ था। जो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 2014 में गुआना और बारबाडोस सबसे पहली बार और शायद आखिरी बार भिड़े थे और वहाँ पर बारबाडोस जीत गया था और गुआना अब तक एक भी बार CPL नहीं जीता हुआ है और पूरे CPL में एक भी मैच गुआना यहाँ पर नहीं हारा है। सारे के सारे मैच यहाँ पर गुआना ने विन किए हैं और बारबाडोस ने गुआना के मुकाबले 50% मैच यहाँ पर विन किए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारबाडोस क्वालिफाई 1 क्वालिफाई 2 क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच बारबाडोस ने यहाँ पर खेले हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उसने विन भी किया है। अब 100% वर्सेस 50% का मुकाबला है। 100% इन द सेंस कि गुआना 10 out of 10 और बारबाडोस 10 out of 5 का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि गुआना ने ऑलमोस्ट सारे ही मैच जीते हैं। अब कितना बुरा लगेगा अगर गुआना यहाँ पर फाइनल मैच हार जाता है, तो बारबाडोस ने आधे मैच जीते हैं और कितना अच्छा हो जाएगा बारबाडोस के लिए अगर वो फाइनल मैच यहाँ पर जीत जाता है। तो बारबाडोस एक ऐसी टीम है जिस पर मुझे शुरू से कभी भरोसा नहीं रहा है, तो आज के प्रेडिक्शन भी मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा, बट स्टिल मुझे बारबाडोस पर यहाँ पर भरोसा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा ड्रीम इलेवन की टीम। जो व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देखे ड्रीम इलेवन की टीम बनाते हैं, उन्हें मैं कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर आज बता देता हूँ जो प्लेयर्स कैलकुलेशन में बहुत अच्छे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी जा रही है। और अगर आप ड्रीम इलेवन की टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें अपनी कैलकुलेशन में ज़रूर लें, अपने प्लेयर प्लेइंग इलेवन में ज़रूर लें। सबसे पहले नाम मैं लूँगा हेडन वॉल्श का नाम यहाँ पर लूँगा। हेडन वॉल्श को आप अपनी टीम में ज़रूर लें, यहाँ पर वो बॉलर हैं बारबाडोस के। उसके बाद में नाम लूँगा इमरान ताहिर का। इमरान ताहिर को आप यहाँ पर अपनी टीम में ज़रूर लें, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने और कहीं ना कहीं आज कल का मैच भी वो यहाँ पर अच्छा करेंगे। इमरान ताहिर के अलावा मैं बात करूँगा क्रिस ग्रीन की यहाँ पर। क्रिस ग्रीन को भी आप अपनी टीम में ज़रूर लें। अब बात करते हैं बैट्समैन्स की, तो ब्रैडन किंग सबसे पहले नाम लूँगा। ब्रैडन किंग का कब मैच पलट सकते हैं, कब मैच को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रैडन किंग। उसके बाद एक ऑलराउंडर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हमेशा मैं अपने वीडियो में जब भी मैं गुआना और बारबाडोस का वीडियो बनाया है मैंने हमेशा बोला एशले नर्स यहाँ पर एक प्लेयर हैं जो मैच में कहीं ना कहीं अपना आते हैं, योगदान देते हैं और चाहते हैं, पर वो योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनका हमेशा, और आज भी कैलकुलेशन में इनका योगदान कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रैडन किंग के साथ साथ अब एशले नर्स को भी ज़रूर लें। अब बात करते हैं शोएब मलिक और शाकिब अल हसन, दो एक ऐसे प्लेयर जो मैच कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। शोएब मलिक डेफिनेटली मैच में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह मैच को लेके जा सकते हैं। और शाकिब अल हसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछले दो मैच से वो नहीं चल रहे हैं, बट CPL में अगर बारबाडोस आज स्टैंड कर रहा है तो उसमें शाकिब अल हसन का काफ़ी अच्छा योगदान है। और क्या फाइनल में शाकिब अल हसन चल पाएंगे या शाकिब अल हसन नहीं चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आपके सामने रहेगा। और बात करते हैं कि मैच किस प्रकार से जाएगा, क्या स्कोर यहाँ पर रह सकता है और कितने रन यहाँ पर बन सकते हैं, कौन सी बैटिंग पहले होनी चाहिए, कौन सी बैटिंग बाद में होनी चाहिए, क्योंकि इस पिच पर सिर्फ और सिर्फ दो ही मैच हुए हैं, दो भी नहीं, यहाँ दूसरा मैच कल होने वाला है, एक ही मैच हुआ है, वो था क्वालिफायर बारबाडोस वर्सेस TKR के बीच में। और उस मैच में भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि स्कोर जो रहेगा वो कम से कम 145-150 के प्लस रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर नहीं जाएगा। आज के मैच में भी मैं आपको बताता हूँ कि जो स्कोर, टोटल स्कोर जो रहने की कैलकुलेशंस आ रही है वो कहीं ना कहीं एक विनिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जो भी टीम यहाँ पर विन करना चाहती है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस यहाँ पर
150 प्लस बोलूंगा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं 175 अगर क्रॉस करते हैं तो विनिंग प्रॉबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करूंगा कि टॉस कौन जीतेगा यहाँ पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉस रहने वाला है कल का, और कहीं ना कहीं फर्स्ट बैटिंग के वाले के पास थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर रहेगा, और अगर गुआना कल फर्स्ट बैटिंग कर लेता है तो कहना ही क्या, फिर मज़ा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर गुआना को फर्स्ट बैट करना है तो उसे टॉस यहाँ पर जीतना पड़ेगा। अगर बारबाडोस टॉस जीतता है और फर्स्ट बैट करता है तो मैच में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट यहाँ पर देखने को वापस से मिल सकता है। अब बात करते हैं, अगर गुआना मैच जीतता है, टॉस जीतता है और फर्स्ट बैट करता है तो स्कोर बड़े आराम से 180 क्रॉस करना चाहिए, बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। और अगर बारबाडोस यहाँ पर टॉस जीतता है, फर्स्ट बैट करता है, तो 170 के अप्रॉक्स की कैलकुलेशन बारबाडोस की भी आ रही है। एक अच्छा मैच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक टाइट मैच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लो स्कोरिंग मैच के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, 140 प्लस का स्कोर जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं 160-170 के आसपास का स्कोर आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब बात करते हैं कौन सी टीम की विनिंग प्रॉबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है और कौन सी टीम की विनिंग प्रॉबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों की प्रॉबिलिटी में अभी फ़िलहाल यहाँ कहूँगा कि बराबर आ रही है, इक्वल है, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं 54.5% यहाँ पर गुआना की प्रॉबिलिटी है, और विनिंग प्रॉबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 44.5 गुआना की प्रॉबिलिटी है और 51.9 जो है वो बारबाडोस की प्रॉबिलिटी है। दोनों के पास ही बहुत अच्छे ऑप्शन है मैच को जीतने के, बट एक जो डिसएडवांटेज बारबाडोस के पास है कि जेपी ड्यूमिनी लास्ट मैच में रिटायर्ड हुए थे, और कहीं ना कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें है कि शायद जेपी ड्यूमिनी आने वाला मैच नहीं खेलें, तो वहाँ पर एक छोटा सा चेंज आपको बारबाडोस की टीम में दिखाई देगा। और कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं गुआना की टीम यहाँ पर इस बार सीपीएल का मैच जीत के सीपीएल की ट्रॉफी हाथ में लेना चाहेगी और कहीं ना कहीं सीपीएल को अपने नाम करना चाहेगी। पर बारबाडोस में अभी भी बोलूँगा, इन्वर्टेड कोट में नोट कर लीजिएगा, बारबाडोस एक ऐसी टीम है जो कभी भी आपको यहाँ पर चीट कर सकती है, धोखा दे सकती है। तो आप सभी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आप सभी को अपना गेम पता होना चाहिए, और आप सभी के पास अपनी अपनी कैलकुलेशंस होनी चाहिए कि मुझे कब कहाँ कैसे मूव करना है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर बोल रहा हूँ टॉस का कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैच हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं हमेशा बताता हूँ, कौन कौन से ओवर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, किस प्रकार से मैच यहाँ पर जाएगा और किस प्रकार से टर्न एंड ट्विस्ट आपको देखने को मिल सकता है। शुरू के 4 ओवर फर्स्ट बैट के लिए, जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, शुरू के 4 ओवर, स्पेशली चौथा ओवर जो आप देखिएगा, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने के चांसेस रहेंगे। चौथे ओवर के बाद जो कैलकुलेशन है, अगर गुआना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ गुआना यहाँ पर फर्स्ट बैट कर रहा है, और गुआना अगर फर्स्ट बैट करता है तो 4th ओवर और उसके बाद 9th ओवर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा, और 4th और 9th के बाद अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 14th ओवर स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ कि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इन केस अगर बारबाडोस पहले बैट कर लेता है तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी, उसमें समय लगेगा, और वो शायद मैं व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट सभी को बता देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं कि बाद में सेकंड बैट करने वाली टीम अगर कोई है और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से जाएगी, तो फर्स्ट बैट की जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, कम से कम कहीं ना कहीं लगता है कि 9 से 10 सिक्सेस लगने चाहिए, एटलीस्ट 8 सिक्सेस का मैच रह सकता है, 8 सिक्सेस तो मैच में लगने ही लगने हैं। इस तरह से लग रहा है कि फर्स्ट बैट में 8 सिक्सेस कहीं नहीं गए आपके, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा मैच आपको देखने को मिलेगा, 170 प्लस का स्कोर आपको यहाँ पर देखने को आराम से मिल सकता है। सेकेंड बैट की बात करूँ तो शुरुआत के 2 ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ओवर एंड सेकेंड ओवर में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैच किस दिशा में जा रहा है या मैच किस तरफ जा सकता है। 2 ओवर के बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा 5th ओवर के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 5th ओवर के बाद यहाँ पर 7, 8 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद 13 और 14 ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं 15 ओवर से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये मैच किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बट मैच यहाँ पर टाइट होने के थोड़े से चांसेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है 15 की जगह आपको 18 ओवर तक कन्फर्म हो कि यहाँ पर मैच किस प्रकार से जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर जैकपॉट की बात करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैकपॉट है या नहीं, जैसे लास्ट मैच में कहीं ना कहीं हल्का सा जैकपॉट आपको देखने को मिला होगा, तो ये वाला मैच मैं बोलूँगा कि जैकपॉट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं 40% चांसेस जैकपॉट के आ रहे हैं। तो अगर आप मैच में संयम रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशन आती है मैच की और आप उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने अपने आप को प्ले में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो भी कैलकुलेशंस मैंने यहाँ बताई और जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकती है। वैसे विनिंग प्रॉबिलिटी दोनों टीमों की है, बट कहीं ना कहीं गुआना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है।
फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी परेशानी आ रही है और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर तरह से मदद कर सकूँ। धन्यवाद।